योगानंद जी कहते हैं कि मैंने भारत और अमेरिका में बहुत सारे योग पर प्रवचन दिए, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक हिंदू होने के नाते मुझे अंग्रेज़ छात्रों को पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है। अंग्रेज़ आध्यात्मिक संबंधों को जिस गहन एकाग्रता के साथ अभिव्यक्त करते हैं वह प्रशंसनीय है। लंदन में योग के छात्रों ने मेरे वहाँ जाने के बाद बहुत निष्ठा के साथ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र बनाया और युद्ध के भयंकर वर्षों में भी विध्यान कक्षाएं आयोजित करते रहे। इंग्लैंड में योगानंद जी ने बहुत अविस्मरणीय समय बिताया। योगानंद जी ने अपने कई सारे शिष्यों को बहुत सारे उपहार दिए। उनमें से एक थे मिस्टर डिक्सन, जिनके लिए उपहार उन्होंने कलकत्ता के बाज़ार से ख़रीदा था। वे उनके प्रिय शिष्य थे। जब उन्होंने उन्हें उपहार दिया तो उसमें चांदी का कप था। वे उसे निहारने लगे और अभिभूत हो गए। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन काफ़ी समय बाद एक दिन उन्होंने कहा, सर, उस चांदी के कप के लिए आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद। उस दिन क्रिसमस की रात को मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। योगानंद जी ने कहा, मैं वो उपहार विशेष तौर पे आपके लिए लाया था। मिस्टर डिक्सन कहने लगे, मैं पिछले 43 वर्षों से इस चांदी के कप का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये एक लंबी कहानी है जिसे मैंने स्वयं से छिपा रखा है। इसकी शुरुआत बहुत नाटकीय थी। मैं डूब रहा था। एक छोटे से शहर निबारस्का में मेरे बड़े भाई ने मजाक में मुझे 15 फीट गहरे पानी में धकेल दिया था। मेरी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। जब मैं पानी के अंदर दूसरी बार डूबने वाला था, एक रंग बिरंगा दीप्तिमान प्रकाश मेरे सामने उभरा और पूरी जगह वो प्रकाश छा गया। उसके बीच में एक आदमी था जिसकी आंखें शांत और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मेरा शरीर तीसरी बार डुबकी लगा रहा था। तब मेरे भाई के साथ ही ने वृक्ष की एक लंबी शाखा इतनी गहरी झुका दी ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। और फिर लड़कों ने मुझे बाहर निकाल कर प्राथमिक चिकित्सा दी। 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का था, मैं अपनी माँ के साथ 1893 में शिकागो गया। वहाँ प्रसिद्ध विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था। मैं और मेरी माँ मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे और अचानक मैंने एक बार फिर विशाल दीप्तिमान प्रकाश को अपने सामने देखा। वो एक विशाल सभागार के दरवाजे से घुसकर अदृश्य हो गया। मैं जोर से रोते हुए बोला, माँ, ये वही आदमी है जिसने मुझे डूबने से बचाया था। माँ और मैं जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग में गए। एक व्यक्ति प्रवचन के मंच पर बैठा था। हमें पता चला कि भारत के स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने आत्मा को विचलित कर देने वाला प्रवचन दिया। मैं आगे उनसे मिलने के लिए गया और वे मुझे देखकर इतनी आत्मीयता से मुस्कुराए मानो मेरे मित्र हों। मैं इतना छोटा था कि मुझे समझ नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दूँ, लेकिन मैं दिल से ये आशा कर रहा था कि वे मुझे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दें। और उन्होंने मेरे विचार पढ़ लिए। तुरंत बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। उन्होंने मुझ पर गहरी सुंदर आंखों से दृष्टि डालते हुए कहा, आपके गुरु बाद में आएंगे। वे तुम्हें एक चांदी का कप देंगे और वे तुम्हें इतना आशीर्वाद देंगे जितना तुम कभी ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मैंने शिकागो छोड़ दिया और महान विवेकानंद जी को उसके बाद कभी नहीं देखा, लेकिन उनके कहे गए शब्द वो मेरे अंतर मन में सिमट गए। वर्षों बीत गए, कोई गुरु नहीं आया और एक रात 1925 में मैंने अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर से गुरु भेजने की प्रार्थना की और कुछ घंटों बाद ही मधुर संगीत की धुन से मैं जाग गया। एक आकाशीय देवदूतों का समूह जिनके हाथों में बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र थे उन्हें बजाते हुए मैंने देखा। पूरे वातावरण को स्वर्गीय अद्भुत संगीत से भरकर वे धीरे धीरे मेरी आँखों से ओझल हो गए। और अगली शाम पहली बार आपके व्याख्यान में मैं आया और मुझे उसी समय पता चल गया कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। 11 वर्षों से मैं आपके क्रिया योग का शिष्य हूँ। कभी कभी चांदी के कप के बारे में आश्चर्य से सोचता रहता था और आखिरकार मैंने स्वयं को समझा लिया था कि विवेकानंद जी के वे शब्द केवल अलंकारिक थे, लेकिन क्रिसमस की रात जैसे ही आपने वो डिब्बा मुझे दिया, मैंने अपने जीवन में तीसरी बार वो चमकता प्रकाश देखा। 1 मिनट के अंदर मैं अपने गुरु की उस भेंट को देख रहा था जिसे विवेकानंद जी ने 43 वर्ष पूर्व देखा था, एक चांदी का कप। अंतहीन जिम्मेदारियों को संभालने वाले अमेरिकी, इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद
क्रिया योग अभ्यास के लिए प्रतिदिन समय निकाल लेते हैं। मेरे भारत और यूरोप के प्रवास के दौरान मुझे इस आश्रम के निर्माण की खबर मुझ तक नहीं पहुंचने दी। मेरे लिए कितना सुखद आश्चर्य था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विनाश और विध्वंस की छाया विश्व पर लंबी होती जा रही थी और अभी से कानों में युद्ध के भयंकर ड्रमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई ऐसे पुरुष और महिलाएं मिले जो अपने हृदय की गहराइयों में बाहर की दुखद असुरक्षा के बीच अनंत सहारे शरणगाह की जरूरत को ढूंढ रहे थे। इन युद्ध के वर्षों ने लोगों के बीच एक आध्यात्मिक जागृति पैदा की, जिन्होंने कभी भी न्यू टेस्टामेंट नई बाइबल के अलावा किसी और ध्यान ही नहीं दिया था। युद्ध की कड़वी जड़ी बूटियों का मीठा मोह भंग। एक दिन उनके एक साथी ने उनसे पूछा कि अमेरिका में सच सच बताइए, क्या यह सब करना सफल रहा? क्या आप अमेरिका में खुश हैं उन सब मोह भंगों, दिल के दुखों और उन केंद्र प्रमुखों ने जो नेतृत्व नहीं संभाल पाए, और ऐसे शिष्यों जिन्हें आप शिक्षित नहीं कर पाए, उन सबका क्या? योगानंद जी ने कहा, ऐसा मनुष्य धन्य है जिसकी भगवान परीक्षा लेता है। ईश्वर को कभी कभी मेरे ऊपर भार डालना याद रहा। वो कहते हैं कि तब मैंने अपने मन में उन सब विश्वास पात्रों को, उस प्यार और भक्ति को और समझदारी के बारे में विचार किया जो अमेरिका के हृदय में व्याप्त है। मैंने हल्के से जोर देते हुए कहा, मेरा उत्तर हाँ में है और मैं हज़ार बार हाँ कहूँगा, मेरा यहाँ रहना सार्थक रहा। मैंने पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के पास लाने का स्वप्न देखा था, और वह भी आध्यात्मिक बंधन द्वारा, जो कि अनंत बंधन है, वह मेरी कल्पना से ज़्यादा साकार हुआ। 15 अगस्त 1945 विश्व युद्ध द्वितीय की समाप्ति, एक दुनिया का अंत, एक रहस्यमय परमाणु युग की सुबह। आश्रम के सभी निवासी मुख्य हॉल में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए। हे परमपिता परमात्मा, अब ऐसा कभी न हो, आज से आपके बच्चे और भाई बहनों की तरह सप्रेम रहें। युद्ध के वर्षों का तनाव खत्म हो चुका था और हमारी आत्माएं शांति के सूर्य में आनंद विभोर हो रही थी। मैंने अपने प्रत्येक अमेरिकी साथी को प्रसन्नता से देखा कि हे ईश्वर, मेरे मन ही मन कृतज्ञ भाव से उनका आभार प्रकट किया कि आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया।